हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देतीमन सैनिक स्कूल। नई भर्ती आई है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिसमें रेगुलर बेस पर भी वैकेंसी निकाली गई है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी। सैलरी काफ़ी अच्छी आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। सभी राज्यों से कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। जितनी भी रेगुलर बेस पर वैकेंसी आती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है, मेरा उद्देश्य रहता है सबसे पहले जो है वो आप लोगों तक जो है वो पहुँचे, ताकि आप लोग समय से पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकें। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, तभी आप लोगों को आगे आने वाला जो वीडियो है वो समय पर मिल सकेगा। तो यहाँ पर वैकेंसी आई है, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा से आई है। सबसे पहले आप देखें नेम ऑफ द पोस्ट, TGT उड़िया की वैकेंसी है, एक पोस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। यहाँ पर 54,500 जो है आपकी सैलरी होगी 21 से लेकर 35 साल तक, और कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है कहा है क्लास 10th स्टैंडर्ड इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उड़िया, इसमें जो है पास होना चाहिए या फिर उड़िया जो है ग्रेजुएशन लेवल 50% मार्क्स के साथ एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों ने पढ़ा हो, BEd मांगा गया है और टेट पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए। मैस मैनेजर की जो है एक पोस्ट है, जो कि रेगुलर बेसिस पर है, परमानेंट है, और यहाँ पर सैलरी जो है 29,200 से 92,300 तक मिलेगी, यानी कि 50,000 से अबव जो है वो आप लोगों की सैलरी यहाँ पर होगी। 18 से लेकर 50 साल तक के कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है, और यहाँ पर कहा है कि एबिलिटी यानी कि योग्यता होनी चाहिए द मेंटेन मैस अकाउंट्स में, ठीक है। यहाँ पर जो है SC कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन कर पाएंगे। रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है क्वार्टर मास्टर की, यहाँ पर BA या BCom अगर आपने किया है, 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मिलेगी आप लोगों को, अबव 50,000 आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है। 18 से लेकर 50 साल तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी और पार्ट टाइम है मेडिकल ऑफिसर की, तो MBBS की डिग्री जो है वो आपके पास यहाँ होनी चाहिए। 64,500 जो है यहाँ पर मंथ सैलरी मिलेगी। 18 से लेकर 50 साल तक जो है यहाँ पर कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। काउंसलर की वैकेंसी है, काउंसलर की काफ़ी वैकेंसी आती है, हर सैनिक स्कूल से वैकेंसी आपको काउंसलर की मिलेगी ही। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपने साइकोलॉजी में किया हो और साथ में जो है यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा जरूर होना चाहिए करियर गाइडेंस काउंसलिंग का, यहां पर सैलरी जो है वो आप लोगों को दी जाएगी 54,500, और कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो वो यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी यहां पर किसी भी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के अलावा भी कोई सी भी कैटेगरी है तो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की, तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वो कम है यहां पर, केवल उड़िया की है और हम देख रहे हैं यहां पर काउंसलर की है, बाकी जितनी भी हैं सभी नॉन टीचिंग स्टाफ की रहने वाली है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की यहाँ 12th मांगा गया है और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 31,000 सैलरी मिलेगी। PTI के लिए यहाँ बैचलर डिग्री और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन। केवल यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन कर सकती है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है। 31,000 यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट जो है वैकेंसी नर्सिंग सिस्टर की है, फीमेल ही कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकती है, एक पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और यहाँ पर मांगा गया है 12th या इसके समकक्ष ग्रेड ए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सिंग, 5 साल का एक्सपीरियंस भी जो है यहाँ पर चाहिए, और सैलरी जो है यहाँ पर 31,000 आपको मिलेगी। 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। तो जितनी भी नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्या एज यहाँ पर मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं होता है, जैसा नोटिफिकेशन में लिखा होता है वही मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। अभी जो है सिलेक्शन कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और आप लोगों का इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जो है वो लगेगा आपका 400 रुपीज, और लिखा है कि SC या फिर वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए छूट रहेगी फीस में, ठीक है। नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई, कैसे एप्लीकेशन करनी है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी ऊपर जितना भी क्वालिफिकेशन दी गई है यदि आप उसको बिल्कुल फुलफिल करते हैं तो अप्लाई करना है आप लोगों को। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा उड़ीसा, और ये पिन कोड दिया हुआ, इस एड्रेस पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल रहेगा स्कूल की वेबसाइट पर, ये लिंक है,
जो कि मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट डेट जो है यहाँ पर लिखी गई है कि लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो रहेगी 21 दिन जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं ये जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है उसके बाद, यानी कि 19 या 20 सितंबर तक जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर ही दें। यहाँ पर कहा है कि कॉल लेटर विल बी इश्यूड टू ऑल एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली बाय रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या ईमेल। ईमेल एड्रेस जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल देंगे। यहाँ पर कॉल लेटर आप लोगों को आएगा, या तो रजिस्टर पोस्ट आएगी आपके पास, या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको पता लगेगा, या फिर ईमेल के द्वारा आप लोगों को पता चलेगा। सैलरी के साथ में यहाँ पर लिखा है अदर फैसिलिटी भी आप लोगों को दी जाएगी, जैसे कि आप लोगों को रहने की सुविधा जो है यहाँ पर होगी सभी पोस्ट के लिए। ये कहा गया है फ्री फूड खाना जो है वह भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पर जितनी भी पोस्ट हैं तो उनके लिए और भी जो है वो फैसिलिटी, जैसे कि मेडिकल की सुविधा रहेगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहेगी, ठीक है, इस तरीके से जो है इनको दी जाएगी। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मेन वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो मेन वेबसाइट है इसकी ये, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट 2023। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और आपके सामने जो पेज ओपन होगा तो यहाँ पर स्कूल एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सभी के यहाँ पर मिलेंगे, अगर आप टीजीटी उड़िया के लिए, मैथ्स मैनेजर के लिए, क्वार्टर मास्टर के लिए, जिसके लिए भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इस पर जो है वो आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके फिल करके और दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को सेंड करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।